उनके में रोज रोज और आईडी का नया चेहरा सामने आ रहा है, बिल्कुल नए तरीके से लोगों के सामने आ रही है। क्या मैं बहुत पीछे तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो राज्य बनने के 20 वर्ष गुजरे हैं भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व में, उनमें जो कुछ हुआ उसका पछतावा आज सारे लोग उतर रखे हैं और उसी को सोच करके आज वो सब इधर रखे हैं। मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था, 200 प्रधानों ने एक साथ सदस्यता। मैं ये जानना चाहता कि आप बड़ी पार्टियों के छोड़ के आप UKD को शामिल हो, इसके क्या उद्देश्य हैं और आगे क्या रणनीति है? देखिए, मैंने ये जो डिसीजन लिया है, जो निर्णय लिया है, बहुत सोच समझ के लिया है, विचार करके लिया है, बहुत मंथन करके लिया है। मैं देख रहा हूँ पूरा जिस तरह से हमारी क्षेत्र की पार्टियाँ और राज्यों में जो प्रगति की है, जो काम किया है, जो लोगों का काम किया है, अरे दिन प्राइमरी वो बहुत ही अग्रणीय है, और जिस तरह से विकास किया है और राज्यों ने क्षेत्र पार्टियों के काम, मैं समझता हूँ विगत 21 सालों से जिस तरह से दो राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ पे शासन किया, तो शासन किया और जो बर्बादी जो हमारे राज्य को मिली है वो इन्हीं का कारण है। क्षेत्र पार्टी ही क्षेत्र का राज्य का विकास कर सकती है। BHP से थोड़ी सी लड़ दो, तो मेरा ये मानना है क्षेत्र पार्टी विकास करेगी। और ये पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल जिसने हमें राज्य दिया है, नाम दिया है, पहचान दी है, और जिसका घर घर में नाम है, मैं समझता हूँ ये क्षेत्र पार्टी ही हमारे राज्य का कल्याण कर सकती है। हर तरह से जो सुविधाएं और अन्य राज्यों में अन्य क्षेत्र पार्टियों ने की है, उस तरह की सुविधाएं और कार्य ये पार्टी कर सकती है, और यही कारण है कि इस पार्टी के साथ। 2012 में भी BJP से आपने टिकट मांगा था, आपको टिकट नहीं मिला था, फिर आप 2012 में मैं कहीं पर भी नहीं था जी, कहीं पे भी 2012 में राजनीति में था भी जी जी, मैं तो राजनीति में 2013 के बाद में सोचा। पहले आप BJP में गए, BJP से आप टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट नहीं मिला, आप निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद आप अशोक भाई थोड़े नीचे कर लो बिल्कुल नहीं, मैंने 2017 में मैंने टिकट नहीं मांगा था, पूरी UKD से तैयारी कर रहे थे, भाजपा से भाजपा से मैं निर्दलीय रूप में भ्रमण कर रहा था, वो लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन मैंने जो है टिकट नहीं मांगा था, सदस्य रहा था मैं, सदस्य रहा था मैं, पूरी माना जाए या इसके बाद में नहीं, ये हमारी अंतिम यात्रा है, ये अब ये यही हमारी अंतिम यात्रा है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, आपको मैं बता दूँ, कांग्रेस में मैं पहले भी मैंने अखबारों में लिख चुका हूँ, पत्रिकाओं में लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ, मैं कभी भी उसका मेंबर नहीं था। वो मतलब मेरे पास आए थे, बताया था उन्होंने, AICC भवन में मुझे बुलाया गया था जी, और सभी लोग बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ पे थे, सबको पता है, बुलाया गया था कि आपको आओ, आपका सम्मान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बाद में मैं नहीं गया था, ना मैं उसके मेंबर बना। अगर क्या जहाँ तक उत्तराखंड क्रांति दल का सवाल है, मुझे लगता है और हमारी धारणा भी हम करेंगे भी, हम इस पार्टी को नंबर 1 पार्टी बहुत जल्दी उत्तराखंड में बनाएंगे, मैं आपको ये वादा करता हूँ।